नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर नई दिल्ली से है। यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगाए। कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के 72 दिनों में हमने मोदी जी से 272 सवाल पूछे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और कांग्रेस ने जिसे नाम दिया है जीरो जवाब, भाग मोदी भाग। सुनिए जयराम रमेश ने आगे क्या कुछ कहा है। पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। खड़े हो जाए। ये अंग्रेजी और ये हिंदी है। और ये सवाल जब कहीं जाते थे, 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल जीरो जवाब, भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।